श्री राधा कृष्णाए नमो नमः सर्वप्रथम मैं भगवान श्री राधा कृष्ण के श्री चरण कमलों की वंदना करता हूँ आप सभी भक्त जनों को भी सादर नमस्कार करता हूँ महान लेखक श्री हनुमान प्रसाद पोदार जी द्वारा रचित पुस्तिका श्री उद्धव गोपी संवाद से अब तक हम चार कथाओं का श्रवण कर चुके हैं पिछले कथा में भगवान श्री कृष्ण उद्धव जी से अपने दुख का वृत्ं कह सुना रहे हैं और उद्धव जी को संदेश देकर वृंदावन जाने की अनुमति दे रहे हैं उद्धव जी अब वृंदावन को चल दिए आगे की कथा इस प्रकार से है उद्धव जी रथ पर सवार होकर ब्रज में पहुँचे उस समय गोधुली बेला थी ब्रज में सर्वत्र शांति प्रेम का आनंद का साम्राज्य छाया था समस्त ब्रजमंडल ही श्री कृष्ण में दिख रहा था तभी उनकी दृष्टि ग्वाल बालकों के एक मंडल पर पड़ी उन्होंने देखा प्यारे कान्ह सखा की मीठी स्मृति में सखा सभी लवलीन रहते सदा सोचते बात उसी की केवल मन अति दीन डूबा अति आश्चर्य सोचता एक चिबुक पर अंगुली टेक शोक सिंधु डूबा विवेक तच आंखे फाड़ देखता एक आशा एक दिलाता उड़ता नब में देख विहक समुदाय कहता एक जिए कैसे हम हाय कृष्ण विहरत असहाय खड़ा लुकुटिया टेक भूमि पर एक अपार विषाद विभोर दीनहीन मलिन सखा सब आज बिना मोहन मन चोर उद्धव जी देखते हैं कि श्री कृष्ण के सखा ये ग्वाल बाल सभी श्री कृष्ण की स्मृति में तल्लीन है उन्हीं की याद में खोए हैं वे दीनहीन शुभ्ध मन से श्री कृष्ण की ही लीलाओं की बात सोच रहे हैं उद्धव आश्चर्य में पड़ गए जब उन्होंने देखा कि एक गोप बालक अपने गाल को उंगली पर टेक कर खोया खोया सोच रहा है और दूसरा शोकाकुल होकर विवेकहीन जैसा होकर आंखें फाड़कर अपलक देख रहा है एक और गोपाल बालक आकाश में उठते हुए पक्षी समुदाय को देखते हुए उसे सांत्वना दे रहा है और अश्वांतित करता रहा है कि कन्हैया आएंगे अवश्य अवश्य आएंगे एक कह रहा है कि हाय कृष्ण के बिना हम कैसे जिए एक और गोपाल बालक विषादग्रम होकर अपनी लकुटी भूमि पर टिका कर खड़े खड़े श्री कृष्ण स्पृति में लीन है मनोहर मोहन के बिना आज सभी श्री कृष्ण सखा ग्लान मुख और दीनहीन दिखाई दे देते हैं यह दृश्य देखकर उद्धव जी सोच में पड़ गए और नंद गृह की ओर चल दिए पहुंचे व्रज बाबा मैया से मिले देख उनका सुचि स्नेह देख बालकों की गति उद्धव चकित थकित हो गए विदेह गलत ज्ञान गौरव उद्धव व्रज वनिताओं के आए पास देख श्याम में सुचि जीवन मन ही मन हो गए निराश क्या सिखलाऊंगा मैं इनको प्रेम दिव्यतम की ये मूर्ति नहीं अभाव कामना कुछ जिसकी हो इनको इच्छित पूर्ति त्यागमय प्रतिमा ये सचमुच कृष्ण प्राण मन से संयुक्त इनके सम्मुख ज्ञान छाटना है निश्चय अज्ञान अयुक्त तदपि गोपी का मुख निश्चित सुधा दिव्य का करने पान मचल उठे ज्ञानी उद्धव के प्राणचित्त मन दोनों कान उद्धव जी वृंदावन पहुँचकर नंदबाबा यशोदा मैया से मिले उनके पवित्र निष्काम कृष्ण सुखार त्यागमय स्नेह को देखकर और फिर गोपाल बालकों की प्रेमपूरित गतिविधि देखकर वे चकित हो गए उनकी बुद्धि हार खाने लगी और वे देख की सुधा भूल गए उद्धव जी के ज्ञान का गौरव अभिमान तो इन्हें देखकर ही गलत हो गया फिर भी वे गोपंग के समीप आए उनकी सारी स्थिति का निरीक्षण परीक्षण समाज स्वादन सादर किया उन्होंने श्री गोपंगनाओं के पवित्र सर्वथा अत्यंत त्यागयुक्त श्री श्याम के प्रेम रसमय जीवन को देखा तब वे मन ही मन निराश हो गए ज्ञानदान की कोई योग्यता ही अपने में नहीं दिखाई दी उन्होंने निश्चय किया मैं इन प्रेम की दिव्यतम जहां किसी भी छोटे बड़े कैसे भी स्वमुख की किसी प्रकार की कामना वासना की कल्पना का लेश गंध नहीं है मूर्तियों को क्या ज्ञान सिखाऊंगा इनमें ना किसी अभाव की कल्पना है और न कोई ऐसी कामना कल्पना है जिसकी ये पूर्ति चाहती हो सचमुच ये तो श्री कृष्ण के प्राणों से प्राणवती है और श्री कृष्ण के मन से ही मनस्विनी है ये प्रत्यक्ष त्यागमय सजीव प्रतिमा है इनके सामने ज्ञान बघारने जाना निश्चय ही अज्ञान है और अनुचित है तथापि उद्धव का मन वहां से जाने को नहीं हुआ श्री गोपंगनाओं के श्रीमुख से निकले हुए दिव्य रसामृत का पान करने के लिए उन ज्ञानी उद्धव के प्राणचित्त मन और दोनों कान मचल उठे अति विनम्र वे बैठ निकट फिर करने लगे विविध अलाप देख देख गोपी जनमुख भंगिमा खो गए निज में आप फिर वे अत्यंत विनम्रता के साथ गोपंगणाओं के समीप बैठकर विविध वार्तालाप करने लगे और बातचीत के समय श्री गोपियों की मुख भंगिमा को निरख निरक कर वे अपने आप में ही खोल गए इस प्रकार से आज की उत्तम कथा यहीं संपन्न होती है छवन करने के लिए और अपना बहुमूल्य समय देने के लिए आपको धन्यवाद श्री राधा कृष्णाय नमो नमः